इन्हों की कहानी सुन के इन्ना दुख हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है कि अज के टाइम के करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद दर दर की ठोकर यह माता खा रही है। ठीक है जी, मां ना रखन करके सारा एक गेम खेल दे पिया और लाल चा कोठी दा और कुछ नहीं। कल उन्हां नूं कुछ हो गया, इन्हां दी नूह ने ते बेटे ने सानूं बहुत परेशान करना, सानूं उन्हां ने अंदर क्रांति तक की कोशिश करनी आ भी किसे लाज नूं साडी मां मार दिंदा। मैनूं टार्चर कर रहे आ, परेशान कर रहे आ और मैनूं थर्ड कर रहे आ और मेरी बहुत पहुँच आ गैंगस्टर ना कहती मेरे लिंक आ, मैं कॉलेज पढ़ाई हाँ, कॉलेज के बच्चे बड़े तरह के है बंदे भी तेन मैं मरवा भी सकती हाँ। मकान इन्हों का खुद का जा इन्हों के बेटे का जा इन्हों के घर वाले का, जे नूह का हक है रहन का तो माँ का क्यों नहीं हक, जबकि कानून कहता माँ का हक बद बनता। इतने रेंदे हो इतने तो नहीं, तुम कोई दिक्कत नहीं? किसी ने सच ही कहा है, दुध नाल पुत पाल के पानी नू तरसदियां ने मावा। अज अजिहा एक भावुक कर देने वाला मंजर देखा अते असी सोचण लई मजबूर हो गए कि साडा समाज किस तरफ जा रहा है। एक 90 साल की बजुर्ग माता दर दर दियां ठोकरां खाण नू मजबूर हुई है। दरअसल इस बजुर्ग माता नू उहदे अपने पुत्र ने घर तों बाहर कढ दिता अते माता हुण अपने भतीजे कोल रह रही है। और रोंदी देखो बेचारी, कोठियां फैक्ट्रियां चलदियां, सारा कारोबार है, थोड़ा भी कुटी उहदे घर ने कमाई, जब तो डेथ हुई है बेचारी धक्के खा रही है, 2-2.5 साल हो गए जी। रखण नूं असीं तैयार सी क्योंकि कल नूं सानूं अंदर कराणगे, असीं तां नहीं रखदे पए जी। असीं दो किन्ने दुख दी गल है कि जिस माँ ने इन्ने दुख सह के अपने पुत्र नू पालिया होवेगा, अज उही पुत्र अपनी माँ नू तंग करन विच कोई कसर नहीं छड़ रहा। आओ सुनदे हां इस माता दी दास्तां। अज एक प्रोग्राम दे विच असी गए ते उत्थे मुलाकात हुई एक बजुर्ग माता दे नाल। माता दे हालात देख के लग रहा सी कि कोई दिक्कत आ उन्हां नूं, गलबात करन दी कोशिश कीती असी, मिले माता नूं, माता जी कोई ना रो ना। सो इन्हां दी कहानी सुन के इन्ना दुख हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है कि अज दे टाइम दे विच करोड़ों दी मालकिन होने दे बावजूद दर दर दी ठोकरां इह माता खा रही है। माता जी सो गलबात करदे हां, माता जी की नाम है तुहाडा? माता जी कित्थे रहिंदे सी तुसीं पहलां? बिलकुल रो ना, कोई ना, साथ तुहाडा पूरा देवांगे असीं। सो माता जी नाल गलबात करदे आ, पहला उन्हां दे नाल जो व्यक्ति सी उन्हां नाल गलबात करदे आ, की रिश्ता उन्हां दा ते की दिक्कत परेशानी माता जी नूं आ रही है। सर की नाम? मेरा मिस्टर गणेश गर्ग जी। की लगदे हो तुसीं इन्हां दे? ए मेरे भूआ जी लगदे आ, मैं भतीजा लगदा, मेरे फादर साहब दी सिस्टर आ जी। ए जन के 2-2.5 साल हो गए जी मेरे कोल रह रहे आ, जिहड़े इन्हां दे अपना नूह हैगी आ ते बेटा हैगा, बेटे नूं कई बार कहा सी ते इन्हां दी नूह नूं कई बार कहा भी उन्हूं रख्या जावे अपने कोल,
पर उन्होंने कुछ नहीं साड़ी 7-8 महीने गल सुनी। उस तो बाद असी मजबूर हो के सीनियर सिटीजन एक्ट का एजेंट साहब से केस किया, जिदे एजेंट साहब के बेटा पेश होया। वो कह के गया भी ना मैं खर्चा दे सकता ना मैं रख सकता। ठीक है, उस तो बाद उन्होंने आर्डर करते भी बच्चे रखे भी तो खर्चा भी देने। उस तो बाद जी वो डीसी साहब के चले गए, उत्थे हुण नूह पेश हो गई इन्हां दी शारदा देवी। वो पेश हुई, वह कहती भी मैं इन्हों नहीं रखना चाहती। असी क्या भी देखो तुम उन्हों की प्रोपर्टी के रहने हो, तो जे थोड़ा अधिकार बनता तो माँ का भी अधिकार बनता, जिन्ना थोड़ा अधिकार उस तो बाद माँ का अधिकार आ। पर किसी ना किसी पोलीटिकल दबाव के आके वो साड़ी कितने भी सुनवाई होनी नहीं दे रही थी। हुण असी ये चाहते हाँ, असी प्रशासन को सरकार को असी यही मंग करते हैं भी ये बच्चे रखन, चाहे नूँह रखे चाहे बेटा रखे, क्योंकि इन्हों को सारा कुछ हैगा। इन्हों को जो इन्हें जरूरत वास्ते चाहिए वो सारा कुछ हैगा, ना हो तो असी रिश्तेदार सारे रख दे। हुण जे अज ये रह रहे हैं ठीक है वधिया रह रहे हैं, कल इन्हों कुछ हो गया इन्हां दी नूँह ने ते बेटे ने सानू बहुत परेशान करना, सानू उन्होंने अंदर क्रांति तक की कोशिश करनी आ भी किसी लालच में साडी मां मारती आ। क्यों? क्योंकि उहदियां गल्लां जां असीं लोकां दे विच हुंदा देखदे पए हां, इस करके असीं डरदे पए हां भी इहदे बच्चे नूं रखण कोल। प्रॉपर्टी माता जी दी हैगी आ? माता जी दी जिहड़ी प्रॉपर्टी हैगी आ जी, मेरे भूआ जी ते फुफड़ जी ने बहुत मेहनत कीती। इन्हां दा एक्सपोर्ट दा काम सीगा, इन्हां दी जनता नगर फैक्टरी सीगी कोट मंगल सिंह दे विच, साबण बाजार दुकान सीगी, डायरी कॉम्पलैक्स के कारोबार से इन्हों का जी, ग्रीनफील्ड कोठी है इन्हों की अपनी खुद की। ठीक है जी, बहुत प्रोपर्टी इन्हों को जी, इन्हों की नूँह आसी उन्होंने भी गल कही, वह कहती है कोठी साढ़े तो हड़पना चाहते हैं, तू इस कोठी को छड़ किसी होर कोठी जाके रह ला, होर जगह जाके रख ला। माता कहती मैं क्यों रखा? असी क्या भी देख तेरा फर्ज बनता, जे तू उस कहनी है मैं इन्हों की नूँह हाँ जा मेरा इन्हों का बेटा घर वाला है 18 साल तो तू अलग रह रही है। कहती मैं अपने आप को 18 साल बहुत होंगे जी, अगे उन्होंने कोई अभी हल तक बेबी नहीं है भी तुम यही यही सेवा कर लो यही बेबी समझ लो। पर किसी गल आन की बजाय मैं टार्चर कर रहे, परेशान कर रहे हैं और मैं थर्ड कर रहे हैं और मेरी बहुत पहुँच आ गैंगस्टर कहती मेरे लिंक आ, मैं कॉलेज पढ़ाई हाँ कॉलेज के बड़े तरह के है बंदे भी तेन मैं मरवा भी सकती हाँ, मैं बहुत खतरा बनया हो इस करके मैं ज मेरे परिवार को कुछ भी होंगे तो ये शारदा देवी इन्हों की नूँह ही जिम्मेवार होगी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत तगड़ी कहती है भी मेरे बड़े पहुँच उपर तक गैंगस्टर है मेरे लिंक आ। सर तुम उन्होंने गलबात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिता, उस तो बाद की थोड़ा की अगे का इदा सीगा जी, साडे जवाहर नगर कैंप के मैं मेरे सहुरा परिवार ही असी उत्थे आए, जो मेरी भुआ जी सी मैं भी सी उत्थे, इन्हां दी नूँह आई इन्हां नाल आके कुटमार की, जो कुटमार दी मेरे को मैडिकल की रसीद भी हैगी है, जो असी इस संबंध में थाने दरखास्त दी सी, थाने वाले ने 5-6 महीने हो गए कोई सुनवाई नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं की। हुण असी थाने जाने थाने वापस आ जाने, थाने जाने वापस आ जाने, डीसी साहब से जाने जाके वापस आ जाने, 2 महीने सानू तरीक मिल जाती है। असी चाहते जे सरकार ने सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया बजुर्गों के वास्ते एक्ट बनाया उसे सुनवाई जल्दी जल्दी की जाए और जीवन जी इन्हों इंसाफ मिल सके, तो ही असी सरकार का प्रशासन का धन्यवाद करा जो इन्हों इंसाफ मिलेगा। और इन्हों तरह के कई बजुर्ग है जो बहुत परेशान हो रहे हैं, एक असी मनीषा गुलाटी जी ने मिलन गए सी मोहाली के, सानू नहीं मिल पाए उस दिन वो कितने गए हुए थे। असी अपने वालों बहुत कोशिश कर रहे हैं भी इन्हों माता जी को इंसाफ मिल सके। सर की लगता है जेकर वो रख लेंगे ने एक्सैप्ट करते हैं तो की उन्होंने सेवा की जाएगी? उन्होंने रखेंगे नहीं रखेंगे माता जी। थोड़े हसबेंड जो सी उन्हों की डेथ कदों हुई? 2018 रिश्ते अपने नाम करा लिया और उन्होंने घरों कड़ता ही वह आश्रम जाके रहन लग गए सी वृंदावन जी आश्रम जे, जबकि बेटे ने अज तक कोई कारोबार नहीं किया, नूँह कोले दे विच रामगढ़िया कोले दे विच प्रोफेसर लगी हुई है जी, और उन्होंने भी असी कई बार बेनती की भी तुसी इहदी सेवा करो असी सारे थोड़े नाल हाँ, पर वो सेवा करन दी बजाय वो सानू ही गाला कढ़दी आ, साडे नाल लड़दी आ, सानू धमकियां दिंदी पई आ। सानू यानी कि इंसाफ दवाया जाए मनू ते मेरे भुआ जी नू, मेरे भुआ जी ने बहुत जिंदगी दे विच मेहनत की, फुफड़ जी ने मेहनत की,
इन्हों का कारोबार बड़ा तगड़ा सी, नामी बंदे जी शहर के साबण बाजार के इन्हां दी दुकान सी जी, और इन्हों की फैक्ट्री सी कोट मंगल सिंह दे विच, और सारा कुछ बेटे और नूह कोले आ। और असीं कहिंदे जे तुहाडे कोले सारा कुछ हैगा ते मां नूं वी तुसीं रखो। उह कहिंदे असीं मां नूं नहीं रखणा, जमीन जायदाद तुसीं रख सकदे हो, मां नूं क्यों नहीं रख सकदे। सानूं इक्को ही बेनती आ, असीं बार बार सरकार कोलों प्रशासन कोलों इक्को ही बेनती करदे आ वी बच्चे उहनूं अपनी मां नूं अपने कोल रखण। साडी होर कोई सरकार अग्गे मंग नहीं, सिर्फ इक्को ही मंग आ भी बच्चे नूं नूं रखे चाहे बेटा रखे, इन्हां नूं अपने कोल रखण, क्योंकि असीं अपने कोल रखदे हाँ तो वह बंदे सानूं कलू इन्हों कुछ होने तो बाद बहुत परेशान करनगे, बहुत परेशान करनगे। इन्हों इस चीज़ को देखते हुए असीं चाहते हाँ भी उहदे बच्चे नूं अपने कोल रखण। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਈ। ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾ। फिर की चाल हो रही है, मां नूं रखण वास्ते असीं दूजे नूं बुलांदे नहीं। 18 साल हो गए उसी मकान च रह रही, आप यह गल कहिंदी 18 साल तो मैं इस मकान च रह रही हाँ। जे तुसीं 18 साल तो रहिंदे फिर किस अधिकार नाल रह रहे हो जे तुहाडी आपस च बनदी नहीं गी? जे थोड़ी आपस च बनती है अंदरले खाते तुसी एक दूजे नाल गलबात करते हो, मेरे को कई तरह के इदा एविडेंस आ, प्रूफ आ मेरे को, जो मैं साबित कर सकता भी ये मां नूं ना रखण करके सारा ये गेम खेडदे पिया। और लालच आ कोठी दा, और कुछ नहीं। कोठी दा लालच आ ते तू पक्के रहेंगे कराई? आपां नहीं पक्के रहेंगे, नहीं नहीं कहना आपां सीगे ना, आपां ये नहीं कहना जी। वो जान के जो ब्याह होया सीगा उस तो बाद साल की उहदे नाल रही है जी, इन्हां दे बेटे नाल साल नाल रही आ, उस तो बाद दोनों अलग अलग रह रहे जो सानूं पता जी, बिचों की गल सू बारे कुछ नहीं पता। असं तो सिर्फ एक ही गल कहने जे उस नूह का अधिकार आ जी, एक साल उसके रही आ मकान इन्हों का खुद आ, जो बेटे का जो घरवाले का, जे नूह का हक है रहन का तो माँ का क्यों नहीं हक, जबकि कानून कहता माँ का हक बद बनता। जाना चाहते हो वापस उ? मैं जाना जा रही हूँ। जाकर रखते नहीं रखने, नहीं रखने पूरा यकीन है? असं यही चाहते हैं जी भी उ यदी तमन्ना भी असी इन्ना यानी कि शौक शौक न अपनी कोठी बनाई है, सब कुछ बनाया सी, मैं उस अपने घर रव जी, वो नहीं रखे नहीं देखभाल करेंगे उत्थे, मैं कम वाली रख के दूंगा जी भी जी, इन्ना ही देखभाल करेंगे सेवा संभाल करेंगे भी, कलू मैं इस चीज़ तो बचूंगा, अब उ भी देखभाल कर रहे ना, सेवा संभाल कर रहे ना, उत्थे भी मैं कम वाली रख दूंगा, देखभाल करेंगे सेवा संभाल करेंगे। वो नहीं करना चाहते रहने जगह तो दे सकते ना जी, भी कलू जब कुछ होंगे भी सानू तो नहीं कोई परेशानी आऊगी। यही साड़ी बेनती है सरकार अगे प्रशासन अगे भी वो रखना अपने को बस, होर कोई साड़ी यानी कि मंग नहीं उन्होंने को, जमीन जमीन जायदाद तो उन्हों की आ, उन्हों की रहूगी, सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू ना किसी चीज़ की लड़ा, सानू जिन्ना परमात्मा दिता से खुश आ। अपने बच्चे उड़ीकदे रहिंदे आ भी अपना मेरे बच्चे मैनू आणगे मिलणगे। असीं कई बार यह भी किया जे तुसीं रख नहीं सकदे नूं मिलता लो, क्योंकि माँ की एक तमन्ना हुंदी है बच्चे अंदर आउंदियां भी सानू मेरे बच्चे मिलन, ना मुंडा मिलन नूं तैयार आ, ना कुड़ी मिलन नूं तैयार आ, ना नूं मिलन नूं तैयार आ। असीं यह चाहते हाँ भी इहदे बच्चे नूं घट्टो घट्ट मिलता लैन, इहदा हाल तां पुछ लैन। यह हमेशा इंतजार करती रहिंदी आ, असीं संघोवाल साहब नूं वी मिले हाँ, संघोवाल साहब कोल वी असीं बेनती कीती आ भी इहनां नूं इहनां दे घर दे विच पहुंचाया जावे। जे उहनां नूं लगता भी वो नहीं देखभाल कर सकते, असी कोई ना कोई काम वाली प्रोवाइड करा देंगे भी वो जी देखभाल करूगी, सेवा संभाल करूगी। असी कांग्रेस सरकार को, अकाली दल को, हर को इंसाफ मंगन गए हाँ, अज असी संघवाल साहब को गए हाँ, और सानू पूरा यकीन आ भी जी आम पार्टी बनी है आम लोगों की बनी आ। अपना तो थ्रेट इस चीज़ है कि जे बाई चांस रब ना करे माता जी कुछ हो जाता तो ते इल्जाम लगा? जी जी मैडम जी, हाँ जी बिल्कुल जी, इस गल का सू बहुत ज्यादा जानकारी, इस गल की टेंशन ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ?
उन्होंने इस गल का यानी कि हैगा जी भी इन्हें रखिया हो कोल अपनी, ठीक है जी, ये घरों कढ़ दूगा तो जल्दी मर जूगी। और इन दरअसल मारना चाहते, वो चाहते भी जल्दी मर जाए, मारना चाहते कि सारा कुछ साडा हो जूगा। उदा जब तक जिंदी है उद तक उन्होंने कुछ मिल नहीं सकता, कुछ माता जी नाम से आ, कुछ यानी कि मेरे फुफड़ जी ने बेटे नाम से करा दी सी, कुछ बेटे नाम से आ, कुछ माता जी नाम से आ। उन्होंने सिर्फ जगह का लालच और किसी चीज़ का कोई लालच नहीं, उन्होंने सिर्फ लालच है जी, लालच है। और लालच करके इन्ने साल 18 साल कटी उन्होंने, जो लालच ना हों जी असी 2 साल तो 3 साल तो कि संघर्ष कर रहे हैं असी, चौंकी थाने कोर्ट कचहरी हर संस्था को हर संस्था को लैके जा रहे हैं भी सुनवाई हो जाए सानू, असी प्रशासन को भी सरकार को भी उन्होंने ये भी असी घरों कढ़ता तुसी भी घरों कढ़ दो। कभी रिपोर्ट लिखाई किसी चीज़ की कि तुहानू थ्रेट आंदा है? बिल्कुल जी, कमिश्नर साहब नूं मिलकर दरखास्त दी असी, ठीक है जी, असी अपना थाने चौंकी कोचर वाले भी दरखास्त दी आ। हुण वो सुनने नूं कोई तैयार ही नहीं, गल वो कहिंदे भी साडे कोल कोई आर्डर नहीं हैगे, आर्डर दे विच ये लिखिया भी तुसी इहनूं यानी कि अपना भी बच्चे रखणगे, असी थाने गए भी साडे नाल चलो जी इहनूं घरे वाड़ के आने जी, वो कहिंदे तुसी जाओ असी जावांगे, लड़ाई होगी, वो साढ़े बच्चे उठे एलीगेशन लाने साडे घरे हमला करना आ गए। असी इस करके नहीं जाते, असी इस करके प्रशासन को सरकार को मंग करते हैं कि वो साढ़े नाल जाण, माता जी नूं जो इन्हां दा हक हैगा इन्हां ने दवाया जाए, इन्हां दे घरे इन्हां नूं बढ़ाया जाए। प्रशासन को मैनू बहुत विश्वास आ, बहुत यकीन आ, असं भी सबर कर रहे हैं भी कोई नहीं कदे ना कदे इंसाफ तो मिलेगा। और सरकार को प्रशासन को बार बार यही मंग करते हैं भी जेडे आर्डर हो घट्टो घट आर्डर तो तमील होने चाहिए, आर्डर तो फॉलो होने चाहिए आ, जो वो सरकार ही कुछ नहीं समझ रहे, सरकार के आर्डर नहीं कुछ समझ रहे तो सानू की समझ लेंगे गल। इस करके बार बार सरकार को प्रशासन को यही मंग करते हैं भी ये बच्चे रखन, ठीक है ना, जो कुछ साढ़े को है असं संतुष्ट हाँ, माता मेरी भूआ मेरी माँ असी सानू रखन कोई इतराज नहीं, पर जी सू कल परेशानी आनी आ उस चीज़ में असं देखते हुए चाहते ये बच्चे रखन। माता ही कहना चाहोगे कुछ गगनदीप जी गल कर रहे हो? गगनदीप जी असि तुहाडे माता जी कोल बैठे सीगे, पुछना चाहुंदे आ तुहानूं कि ओ फिलहाल रो रहे ने काफी, ते क्यों नहीं तुसी लैके जा रहे इन्हां नूं? मैं पत्रकार गल कर रही हूँ न्यूज़ चैनल तो, समर न्यूज़ तो। हेलो, आई आवाज तो नू? नहीं कोई आवाज तो आ रही है, पर इस तरह मैं कुछ कर दी गल में कुछ तो नू क्यों गल कुछ करा ही कौन बोलो कुछ गल कर रही। तुम्हारी माता ही नहीं सानू बुलाया, वो ही कह रहे ने कि सानू लेके नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, असि तो तुम्हारा पक्ष सुनना सी, जो भी किधर लगाना है नू वायरल करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, जिस तरह ने गल बात की उस तो ही पता लग रहा है कि रखना चाहते ने माता जी के नहीं घरेलू मामले की गल कर रहे की घरेलू मामला है साडा, सानू कह रहे ने कि असीं वायरल कर सकते लेकिन मैनू कोई इस तो प्रॉब्लम नहीं, घरेलू मामला होंदा तो शायद अज माता की यह हालत नहीं होंगी। सो प्रशासन तो सरकार तो यही असीं भी अपील करते हैं कि इस माता नू जो बनता इंसाफ है वह दवाया जाए। हाँ जी सर, की असी हुण तुसीं देखिया उहना रवैया किदां दा, वह इदा कानून झाड़ता मेरे उत्ते, इदा रोह मारता मेरे उत्ते, जिदा देखो हूँ भी एक उन्हें थैंक्स करना चाहिए भी तुम मेरी माता जी की देखभाल कर रहे हो, सेवा संभाल कर रहे हो, तुम रखी हुई आ, मैं इन्हें बहुत कर रहा सेवा, वो मैनू फिर भी देखो यानी कि इन्हें नूँह शारदा देवी तो गगनदीप सिंगला बहुत ज़्यादा देख लो यानी कि इदा टार्चर करते, फिर मैं किस स्थिति दे खड़ा, मैं बहुत परेशान हाँ जी, सरकार को प्रशासन को बार बार मेरे जे दोस्त मेरा संजोग ना देंदे शायद मैं उदे तक ना पहुँचता, उदे तक ना लैके आता, मैं अगे वो परेशानी तो मेरे दोस्त सारे कहें जो तू बचना तो इनू इन्हों घर पहुँचा दो, नहीं तो उस बंदे ने तो यदी शारदा देवी ने थानू बहुत परेशान करना, क्योंकि वो अपने आप नूं जिहड़ी प्रोफेसर लगी हुई है कहिंदी मैं प्रोफेसर हाँ जी, कहिंदी मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं उन्होंने ये भी गल कही पहला सेवा करो शुरू होंदी आ, घरे तुसी मां थोड़ी भुखी मार रही, मां नूं तुसी रखदे नहीं पे, तुसी लोकां दी कहिंदे सी सेवा करदे आ, सानूं नहीं लगदा तुसी किसी सेवा करदे होंगे, पहला सेवा करो शुरू होंदी आ, करो सेवा कीती जावे, और बार बार सरकार को प्रशासन को आर्डर इनू फॉलो कराया जाए मनिया जाए। हूँ जो मैं फोन किया उन्हें इस गल का जाके मेरे रिपोर्ट दिखा देनी आ भी मैं गणेश ने धमकी दी आ थ्रेड किया मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट दिखा देनी जो मैं फोन किया।
माता ते उसके भतीजे ने प्रशासन ते सरकार अगे भी गुहार लगाई है कि माता नू इंसाफ मिले ते ओ अपने घर वापस जा सके। इस नू लेके हलका गिल दे विधायक जीवन सिंह संगोवाल नाल भी गलबात की गई। आओ सुनते हैं की कहना है विधायक जीवन सिंह संगोवाल दा। माता जो है समस्या लेके तुहाडे कोल अज पहुंचे, इन्हां दी समस्या हल कीती जाएगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं हुणे पुछदा माता जी नूं की हल आ, उन्हां दे अफसर साहिबानां नूं जो कोई काम आ सी उन्हां दा हल करांगे जी। कैमरामैन इकबाल हैप्पी दे नाल साक्षी शर्मा, दसमन न्यूज़।